नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक CSE BLE हैं और जनसेवा केंद्र चलाते हैं और उसके साथ ही आप आधार सेवा केंद्र का काम भी लेना चाहते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप आधार से जुड़े सभी कामों को करना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना हो, नया आधार कार्ड बनाना हो या फिर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट करना हो, तो उसके लिए दोस्तों UIDAI की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जिसमें कि दोस्तों UIDAI ने ट्वीट करके खुद बताया है कि आपको आधार सेवा केंद्र किस प्रकार से मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप आधार सेवा केंद्र का काम किस प्रकार से ले सकते हैं और UIDAI की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें क्या बताया गया है, तो किस प्रकार से आपको आधार सेवा केंद्र का काम लेना है, क्या प्रोसेस होने वाला है। कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं UIDAI के ट्विटर हैंडल पर आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑपरेटर आर एंगेज्ड बाय रजिस्ट्रार्स नॉट बाय UIDAI, ओनली रजिस्ट्रार्स अपॉइंटमेंट बाय UIDAI आर ऑथराइज्ड टू ओपन एन आधार सेंटर, प्लीज अप्रोच एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार्स इफ यू आर अ सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑपरेटरों को UIDAI द्वारा नहीं बल्कि रजिस्ट्रारों द्वारा लगाया जाता है, केवल UIDAI द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार ही आधार केंद्र खोलने के लिए अधिकृत हैं। यदि आप एक प्रमाणित आधार ऑपरेटर हैं तो कृपया मौजूदा रजिस्ट्रार से संपर्क करें। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो ऑपरेटरों को लगाया जाता है वो UIDAI के द्वारा नहीं लगाया जाता है, वो रजिस्ट्रारों द्वारा लगाए जाते हैं सभी, और जो ऑपरेटर रजिस्ट्रार द्वारा लगाए जाते हैं वही आधार सेवा केंद्र खोलने के अधिकृत भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक लिंक भी दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं टू लर्न मोर अबाउट द रजिस्ट्रार्स विजिट, मतलब कि आपको रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, पर दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपके पास आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट या फिर आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तभी आपको आधार सेंटर मिल पाता है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आधार ऑपरेटर आईडी किस प्रकार से आप ले सकते हैं, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप आधार सेंटर ओपन करने के लिए आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रार से या संपर्क करना है या फिर आपको किस प्रकार से आपको आधार सेंटर ओपन करना है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं दो ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, MOUS साइन विद स्टेट रजिस्ट्रार्स, MOUS साइन विद नॉन स्टेट रजिस्ट्रार्स। तो यहां पर दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं MOUS साइन विद स्टेट रजिस्ट्रार्स। अब यहां पर दोस्तों आपको आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपको रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको आधार सेंटर मिल पाएगा। आप जिस भी स्टेट में आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट को यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने एक PDF खोल करके आ जाएगी, जिसमें कि UIDAI के बारे में सारी जानकारी यहां पर दी गई होगी और आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट करना है वो सारी डिटेल्स यहां पर दी गई होगी। तो आपको अपने स्टेट पर क्लिक करके अपने स्टेट के हिसाब से PDF को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आप स्टेट रजिस्ट्रार के थ्रू आधार सेंटर ओपन नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं MOUS साइन विद नॉन स्टेट रजिस्ट्रार, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने काफी सारे बैंक्स के नाम आ जाएंगे और यहां पर आपके सामने काफी कंपनियों के नाम भी आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, और यहां पर देख सकते हैं NPCI, NSDL, RGI और CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। यहां पर दोस्तों आप इलाहाबाद बैंक के साथ मिलकर भी आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं या फिर आंध्रा बैंक के साथ या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, अगर आप CSE के थ्रू आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहां पर एक PDF खुल करके आ जाएगी, जिसमें कि दोस्तों यहां पर स्टाम्प पर साइन करके दिए गए होंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर आपको एक CSE ID लेनी होगी, उसके बाद में आपको CSE से कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके बाद में आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर यहां पर आप किसी बैंक के थ्रू आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, बैंक के साथ मिलकर आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उसी बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आपके नियर बाय कोई बैंक ऑफ बड़ौदा पड़ती है और वहां पर पहले से कोई आधार सेंटर ओपन नहीं हो रखा है, तो वहां पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में जाना है और वहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के साथ ही जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर आपको बताया हुआ था कि अगर आपके पास आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हो तभी आप आधार सेंटर ओपन करने के लिए एलिजिबल होंगे, तो उसके बाद में ही आपको किसी भी बैंक से या फिर किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद में ही आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर दोस्तों यहां पर आप ऑफलाइन तरीके से किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार
आधार से दोस्तों आप स्टेट रजिस्ट्रार या फिर नॉन स्टेट रजिस्ट्रार के थ्रू मिलकर ही आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।